नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में अपने बेटे का ऑपरेशन कराने आई गरीब महिला ने एक डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन न करने का आरोप लगाया है। मामला मीडिया में आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। भगवान का रूप कहे जाने वाले चिकित्सकों को शर्मसार करने का ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से जुड़ा है। जिले के एक गरीब परिवार ने मेडिकल कॉलेज में तैनात आर्थोपेडिक सर्जन आकाश मद्देशिया पर आरोप लगाया कि सड़क दुर्घटना में घायल अपने 25 वर्षीय नौजवान बेटे साहिद का इलाज कराने व मेडिकल कॉलेज आए। यहां पर हड्डी के डॉक्टर आकाश मद्देशिया ने उनके बेटे का इलाज शुरू किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर आकाश ने उनके बच्चे के इलाज के लिए ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए मांगे। गरीब होने के बावजूद उन लोगों ने उधार लेकर डॉक्टर को पैसे दिए। डॉक्टर ने उनके बेटे का ऑपरेशन करने के बाद दूसरे ऑपरेशन के लिए और पैसे की मांग शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर आकाश आगे के ऑपरेशन के लिए उनसे और पैसे की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि वे अब अपने बेटे का इलाज कराने के लिए गोरखपुर कैसे ले जाएं? उनके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके गरीबी पर तरस खाते हुए उनके जवान बेटे का समुचित इलाज शासन की मंशा के अनुरूप इसी अस्पताल में किया जाए। काय मामला है भैया, गरीब आदमी हम आए सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल पर आए, जो बढ़िया दवा हुई, बढ़िया डॉक्टर है, तो हमारे बच्चे का पैर टूट गया, तो इलाज भवा जाँच करी, कागज पत्र बना, तो जब डॉक्टर आए तो कहें तुम्हारा बच्चे का ऑपरेशन हुए, तो चलो भैया ऑपरेशन हुए, चलो बढ़िया से कह दिए, और तब के बाद कहा था जब 5,000 रुपया देबो तब तुहरे बेटा का ऑपरेशन हुई, तो ठीक है भैया, हम गरीब आदमी चाहे जहाँ मांग जूझ के उधार बाड़ी भीख मांग के हम ला के आप लोगों के दिहन डॉक्टर भैया का, हड्डी डॉक्टर का दिहन, तकरे बाद आधा हमारे बेटा गोड़वा ऑपरेशन करी ही, आधा नहीं कह पाई हमें बताई निकाल दी लड़कवा हमारे बेटा हुआ का कहते और पैसा लाओ, तो भैया हम जो पाइन मांग जूझ के उधार बाढ़ी तो हम तुम्हें दे दिन भैया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बेटे का ऑपरेशन कर दो, हमारे भाई आवत हैं तो हम यहीं रहावे अस्पताल में रहा, तो पैसा भैया तुम्हें दे दे, तो डॉक्टर हड्डी वाला डॉक्टर नहीं माना, हमारे बच्चे का निकाल दीस, हम रोए गाय के बच्चे के लेके चले आए, हम गरीब पाए ही पड़ा है, हमारी मजबूरी कोई नहीं देखा भैया, हमारे बच्चे का ऑपरेशन कर दे, गरीब आदमी हमारे बेटा का दवाई कर दे, जवान बेटा हमारे बेटा कुछ हो जाए, जिंदगी भर हमें झांक के खा कर बच्चा है मेहरारू है बेटा वाटू है। ऐसा है, कल हमने डॉक्टर विमल कुमार द्विवेदी जो वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं उनसे इस मरीज के बारे में बात की थी, तो उन्होंने बताया एक ऑपरेशन ऐसा है जो यहाँ आराम से हो सकता है वो हम लोगों ने कर दिया है, दूसरा ऑपरेशन मल्टीपल फ्रैक्चर है उसको यहाँ एनेस्थीसिया की वो सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए, इसलिए उसको गोरखपुर भेजना पड़ेगा। जहाँ तक पैसा लेने के आरोप की बात है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको इंक्वायर करूँगा और इस पर अगर जरा भी किसी गलती पाई गई तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब बताया जरूर होगा, मुझको तो यही सूचना है, मैं इसको फिर से पता करता हूँ, मेरी नॉलेज में यही कि एक ऑपरेशन उसको बता किया गया और ये हुआ कि दूसरे के लिए इनको गोरखपुर भेजा जाएगा। पैसे की जो बात आ रही उसको मैं अभी इंक्वायर करूंगा कि क्या कैसे हुआ, इस पर समिति बनाऊंगा, देखूंगा, अगर कोई गलती निकली तो सख्त सजा दी जाएगी जो भी पॉसिबल होगा। मेरे पास ऐसा कोई केस उनका नहीं पहुँचा है, ये पहली बार। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर, मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बाफी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर, मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बाफी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर, मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बाफी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर, मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बाफी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।
अयोध्या के स्वर्गद्वार स्थित श्री युगल सरकार कुंज में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री युगल किशोर सरकार कुंज प्रजापति मंदिर के महंत श्रीपाल दास ने बताया कि हमारे यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 125वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तगढ़ व अयोध्या के संत महंत आए। इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ और सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में रामेश्वर प्रजापति राजस्थान, गुरु वचन गंगाराम, जगदम्बा प्रसाद द्वारिका दास प्रजापति, रघुपति रामदेव, विश्वनाथ महाराज दीन आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। उसमें सब लोग भोजन कर रहे हैं, संत महंत लोग आ रहे हैं, अपना जय प्रेम से भोजन कर रहे हैं। जन्म उनका जो है हर वर्ष जो मनाया जाता है बाबा गुरु का। लगभग कितने वर्ष से आप? 45 साल हो गए जब से मना रहे हैं उनका। आज क्या कार्यक्रम? आज कार्यक्रम उनका भंडारा हो रहा है, सब लोग भोग अपना होता है, उनका भोज कर रहे हैं। क्या क्या मैसेज दे? अब यही है कि सब जो है बढ़िया भगवान की कृपा से भजन करें सब लोग, ताकि पानी बरसे, सबका भला हो, कल्याण हो। क्योंकि जब तक पूर्ण होगा नहीं, जब तक जो है पाप बढ़ेंगे तो सब कुछ भला थोड़ी होगा। पूर्ण बढ़े पाप जितने भी जो है घटने के लिए धर्म करें। श्री रामनिवास मंदिर मोहल्ला। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक के सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757, 9456214024। उत्तर प्रदेश के आगरा के कमला नगर स्थित सुमित राहुल स्कूल में मंगलवार को करियर गाइडेंस व काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन करियर जैन और महिंद्रा यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को निर्धारित समय पर सही शिक्षा और सही करियर विकल्प चुनने में समक्ष बनाना रहा, ताकि सभी छात्र आने वाले शैक्षिक भविष्य में भ्रमित ना हों और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकें और अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। स्कूल के इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण और परिणाम आने के लिए प्रतीक्षा रहे करीब 200 छात्र छात्राओं की काउंसलिंग परामर्श विशेषज्ञ डॉक्टर ईसा गर्ग ने की। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918710000। अयोध्या के स्वर्गद्वार स्थित श्री रामनिवास मंदिर में श्री 1008 जगदेव दास महाराज जी की
45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। श्री रामनिवास मंदिर के महंत अभिराम दास ने बताया कि हमारे गुरु महाराज श्री 1008 जगदेव दास महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत महंत आए और जगदेव महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री रामनिवास मंदिर के पुजारी रामस्वरूप दास भी मौजूद रहे। साल में इसी तिथि पे किया जाता है और 117वां के 18वां है जो कंटिन्यू लगातार बराबर चलता चला आ रहा है, चाहे कम हो चाहे बेस हो, लेकिन किया जाता है। इसको बाहर से आए हुए अतिथि सहयोग करते हैं, यहाँ के संत महान जो है वो भंडारा खाते हैं। एकता में सबसे बड़ा बल है, ये हमारा संदेश है। गुरु का जो पद है सबसे ऊपर है, बंदो गुरु पर परंपरा का गुरु जी का बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। भगवान का भी पहचान गुरु ही कराता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु ही है श्रीपाल दास। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। जहां सरकार एक ओर वृक्षारोपण को लेकर सक्रिय है तो वहीं दूसरी ओर हरे पेड़ों की कटान भी तेजी हुई है। ताजा मामला सोहरतगढ़ तहसील के अंतर्गत एक वायरल वीडियो का है। वायरल वीडियो में सीसम और सहगौन पेड़ों के कटे लकड़ियों के बोटे सैकड़ों की तादाद में दिख रहे हैं। कटी हुई अवैध लकड़ियों से संबंधित ये वायरल वीडियो सोहरतगढ़ तहसील के चिल्लिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैस एजेंसी के 500 मीटर आगे का बताया जा रहा है। इस संबंध में DFO चंदेश्वर सिंह ने बताया कि मामला वायरल वीडियो के माध्यम से आज पता चला है। क्षेत्र से संबंधित रेंजर को अवगत कराते हुए नोटिस भिजवाया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त प्रकरण आज ही संज्ञान में आया है और आज हम वहाँ के क्षेत्रीय जो है वन अधिकारी और वन दरोगा जिसको सेक्शन प्रभारी बोलते हैं उनको हम बुलाए हैं और उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगते हुए और वहां जा करके जो भी जो है कटान इलीगल हुआ होगा उस पर कार्रवाई जो है ग्रामीण वीर संरक्षण नियम के तहत करने के लिए मैं आदेशित कर रहा हूं। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बलरामपुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष विदित सेवा प्राधिकरण लल्लू सिंह के निर्देश में क्रम में जिला कारागार बलरामपुर में महिलाओं के अधिकार विषय पर विदित साक्षरता शिविर का आयोजन किया एवं मध्यस्था केंद्र बलरामपुर में भी आए हुए वादकारियों हेतु विदित सारक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। महिला वैरक में निरुद्ध महिला बंदियों हेतु महिलाओं के लिए विदित साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सचिव जिला विदित सेवा प्राधिकरण बलरामपुर द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित वादकारियों को कानूनी जानकारी शिविर के माध्यम से दी गई।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम, योग्यता 12वीं पास, किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827 9456214024। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।